नमस्कार, मैं हूं कशिश सिंह राठौर। आप देख रहे हैं हंस टीवी केएस म्यूजिक। सर्व समिति से किशन कीर्तन परिवार का संरक्षक दादा लाल चंदन दीक्षित जी को चुना गया। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। आदरणीय उपस्थित मेरे समस्त परिजनों, यहाँ उपस्थित हमको रास्ता दिखाने वाले बुजुर्ग जनों, उन सभी बुजुर्गों में मेरे लिए मेरे जीवन की मार्गदर्शिका, मुझे साहस देने वाली पूजनीय माता जी, नमन करता हूं उसी चरणों में। आदेश हुआ है, गाना पड़ेगा, पता नहीं क्यों आज तक जो कदम किसी मंच पर जरा भी कंपन नहीं लाए, आज डगमगा रहे हैं। क्या कर सुनाऊं तो क्या सुनाऊं। सुनाना पड़ेगा। सारे लोग कह रहे हैं कि दादा चले गए, चले गए, चले गए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, भले ही हम उनको ढूंढ ना पा रहे हों, बिना किसी भूमिका के दादा किसी चरणों में नमन करते हुए विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि दादा मैं कभी मंच पे लड़खड़ाया नहीं, आज डगमगा रहा हूं, मुझे 5 मिनट का साहस दे दीजिएगा। कलियां कहां गई है, बाग की सुगंधित कलियां कहां गई, संगीत से वो गूंजती गलियां कहां गई। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हारमोनियम तो घर में अभी वही रखी, पर तो थिरकती हुई अंगुलियां कहां गई, पर्दों पे थिरकती हुई अंगुलियां कहां गई। लोग कहते हैं दादा हमारे बीच नहीं है, अगर मांग ले तो क्या बात, अगर मांग ले
का हक दोस्ती का अदा हो गया, हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो सारे लोग एक ही आवाज लगा रहे हैं। कोई हमसे मिला दे, कहां चले गए, अब नहीं रहे, पता नहीं क्यों। भैया क्रांति और भैया अशोक भैया, मेरा दिल ये किस्सो कि मर गए, मेरा दिल करता नहीं। कलाकार दुनिया में मरता नहीं, कलाकार दुनिया में मरता नहीं। कहे कह रहे सारे लोग, क्या केवल मुझको रुनाने के लोग कह रहे हैं? अगर कह रहे हैं तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं। एक बार मैं 3 अक्टूबर को, याद है मुझे अच्छी तरह से, सन 2003 में ही 3 अक्टूबर को मैं गया। दादा आए संयोग से, उसी समय आए, तो कहा लालचंद जी कार्यक्रम समय है, कैसे आए हो जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे आज कार्यक्रम से आया हूँ, फिर कार्यक्रम में जाना है। तो मैंने कहा दादा एक कार्यक्रम के लिए आया था, 3 अक्टूबर को कह रहे थे लालचंद जी अक्टूबर में बात नहीं करना। सोचिएगा आज के कलाकारों के दो चार कार्यक्रम लग जाते हैं तो व्हाट्सएप में
दसियों बार डालता है। कहा अक्टूबर में नहीं कोई दिन खाली है, 31 अक्टूबर खाली था, वो आज भर गया। एक पंक्ति लाना चाह रहा हूं, मेरा दिल ये सब करता नहीं, कलाकार दुनिया में मरता नहीं। तो पूछे कोई हमसे पूछ सकता है, तो पूछे कोई ये कहाँ खो गए, यदि पूछे कोई ये कहाँ खो गए, मेरा जवाब है कि पूछे कोई ये कहाँ खो गए, बहुत दिन जगे इसलिए सो पूछे कोई, यदि पूछे कोई ये कहाँ खो गए, बहुत दिन जगे इसलिए सो गए। आज एक दायित्व दिया जरूर गया, सोचा गया मैं जानता हूं कि जो भार मुझे सौंपा गया है वो भार उठाने की किंचित भी क्षमता मेरे अंदर नहीं है। लेकिन चौपाई याद आई जो केवल बिद्धु आयसुताता, जो केवल बिद्धु आयसुताता, तो जन जाओ जान बड़ माता। इसका मतलब है कि आदरणीय हमारे शुक्ला जी आ गए, ये गंगा भैया आ गए, शुक्ला जी नहीं है, याद वापस आई है। चलिए मैं इस गीत को यहीं विराम कर देता हूँ, शुक्ला जी आए हैं तो दो पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, सुनिए।
आज जो भुला अमूल निधि है मेरे लिए, पूजनीय माता जी की ओर से आशीर्वाद भी भेंट हुआ है। जन समुदाय, मुझको इतनी बड़ी माला से अपने घर में क्या कहें लाद दिया गया, इतना बढ़िया चित्र दिया गया, लेकिन जैसे ही मैंने प्रणाम करना चाहा मुझे लगा कि मेरी मतलब का चित्र नहीं है। क्रांति जी, मुझे लगा कि चित्र मेरे मतलब का नहीं है, मुझे जो चाहिए था वो इस चित्र में नहीं है। क्या नहीं मेरे मतलब का चित्र में, कि दुनिया में शिष्य जितने सब पूजते चरणों को पूजने से किसी लेकिन मैं जग में फिरूं भटकता, इस भू पर फिरूं भटकता, कोई मुझे बता दे कि वो चरण कहां मैं पाऊं। देखिएगा वो चरण कहां मैं पाऊं जो इस दास को जगा दे, वो चरण कहां मैं पाऊं इस दास को जगा दे। गुरु चरणों का एक प्रभाव होता है कि वो चरण कहां मैं पाऊं जो इस दास को जगा दे। जितना झुके वो उतना, जितना झुके कि जितना झुके वो उतना ऊंचा उसे उठा, जितना झुके वो उतना ऊंचा उसे उठा दे। तो वो चरण कहां जगा।
आदरणीय हमारे पूजनीय दादा दद्दू शिवपूजन पांडे जी ने एक बात है कि इन्हें समझने में मुझे 3 साल लग गए हैं। समझ में लग जाएंगे लेकिन समझने के बाद भी कोई वो नहीं बन पाएगा। क्यों? ये कला हर गायक में नहीं मैंने देखी है। कि नारस नारस के कुशल गायक मेरा जवाबी लखनऊ में हुआ तो मैं उनकी विचित्र कला देखी। हमारा छोटा भाई आदर्श किशन हारमोनियम पर संगत कर रहे थे, दादा ढोलक बजा रहे हैं। कि माता सरस्वती की देन थी कि माता ने दर्द अद्भुत माता ने दर्द अद्भुत इनको दिया कला खास बात क्या थी कि रोते रोते बच्चों हंसाते मेरे सामने विडंबना आज ये बनी है। हालांकि ये शिकायत मुझसे माता जी को हो सकती है कि उनके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी प्रेमनगर जाने की। जाने के लिए कई बार सोचा गया, जाने की बात कि जाने की बात यद्यपि कई बार ही चली है
अच्छी ना मुझको लगती, अच्छी ना मुझको लगती वो प्रेम की गली है। नाम तो प्रेम नगर है, अच्छी ना मुझको लगती तो वो चरण कहाँ से पाऊं, वो चरण कहाँ से पाऊं जो काश को जगाए। जगा दे चरणों में जो जगा।